मध्य प्रदेश के खाचरौद में लगातार बारिश से खराब हुई सोयाबीन की फसल को देखने के लिए विधायक दिलीप सिंह गुर्जर, पीसीसी सदस्य अनोखीलाल सोलंकी और किसान नेता रामलाल मुकाती के साथ कृषि विभाग के अधिकारी और बीमा कंपनी के अधिकारियों ने खाचरौद और नागदा क्षेत्र के ग्रामीण अंचलों में फसलों का निरीक्षण किया। इस दौरान किसानों ने अपनी खराब हुई फसलों को दिखाया। खेतों में कई जगह पानी भरे होने से अधिकारियों को पैदल भ्रमण करना पड़ा। आपको बता दें कि खाचरौद क्षेत्र में लगातार बारिश की वजह से सोयाबीन के फूल और फलियां पानी में नष्ट हो गई है, जिससे फसल में अफलन और बाजपन की स्थिति बन रही है। अब किसानों ने सरकार से उचित मुआवजे की मांग की है। नागदा से संजय शर्मा की रिपोर्ट। डीएम नागदा, कृषि का अधिकारी, हमारे इंश्योरेंस कंपनी के अधिकारी, हम सब लोग करीब 15 गांव हम घूम के आए हैं। निश्चित रूप से कभी 99% फसलों में नुकसान है। इसका अनुभव हमारे अधिकारी लोगों ने भी करा है। हम शीघ्र इसके लिए बीमा मिले, इसके लिए हम प्रयास करेंगे। और आपकी सरकार की ओर से किसानों के साथ बिल्कुल हुआ है, वो अधिकारी को सख्त निर्देश है कि तत्काल जाके सर्वे वगैरह करें और उनको बीमा दिलाने का प्रयास करें। और शासन अपने जो पुराने बीमा राशि है वो भी, उसके लिए भी हम लगातार लगे हैं। और जहाँ तक मेरा सभी किसान भाइयों से अनुरोध है, जिन जिन की फसलों का नुकसान हुआ है, कम से कम वो अपने एक एक शिकायत तहसील कार्यालय में जरूर करें, जिससे उनको सर्वे करवा सकें। इसमें कई गरीब किसान ऐसे हैं जिनके बीमा, माननीय मुख्यमंत्री महोदय से बात करके, कृषि मंत्री से बात करके उनको राहत दिलाने का प्रयास करेंगे। हेलो फ्रेंड्स, आप देख रहे हैं हमारा चैनल SW24 न्यूज। हमारे सारे वीडियो सबसे पहले देखने के लिए आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और पास में लगे बेल आइकन को दबाना बिल्कुल भी ना भूलें।